प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल के हमीरपुर दौरे के बाद कांग्रेसी नेताओं में जोश भर गया है और कांग्रेसी नेता लोकसभा चुनावों के लिए एकजुट होकर जुट गए हैं। वरिष्ठ कांग्रेसी एवं पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ने रजनी पाटिल के दौरे को लेकर स्पष्ट किया है कि 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए सभी कार्यकर्ताओं में जोश भर गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में चल रही गुटबाजी की अटकलों पर भी दौरे के बाद विराम लगा है। कुलदीप पठानिया ने कहा कि कांग्रेस एकजुट है और लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में रजनी पाटिल के दौरे के बाद जोश भर गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता दौरे के दौरान मौजूद रहे हैं और दौरे के बाद लोकसभा चुनावों के लिए कार्यकर्ता जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र में कार्यकर्ता पूरे उत्साह से काम करने के लिए जुट गए हैं और इस दौरे के बाद कांग्रेसी गदगद हैं। हमारी जो राष्ट्रीय प्रभारी रजनी पाटिल जी हमीरपुर में आए हैं, वो उन्होंने पूरे हिमाचल में दौरा किया जिसमें हमीरपुर का भी उसमें शामिल था। पहले वो 6-7 जिलों में गए, अब 3 में अभी आए, 10 जिलों का दौरा पूरा किया और हमीरपुर में बहुत जोरदार उनका स्वागत हुआ और हमीरपुर में कांग्रेस ने इकट्ठे होके उनका स्वागत किया और उनके जो संदेश था माननीय राहुल गांधी जी का लेके आए थे, वो उसमें प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू भी थे और सीएलपी के लीडर श्री मुकेश अग्निहोत्री भी थे और यहाँ के जो पूर्व चुने हुए विधायक थे और पूर्व विधायक थे, सब ने इकट्ठे होके उनका और यहाँ के जो कार्यकर्ताओं ने बड़े जोश खरोश से उनका स्वागत किया है। और यहाँ कोई गुटबाजी नहीं थी, विचार अपने अपने थे और निशाना एक था 2019 के चुनावों का। और रजनी पाटिल जी ने भी और गुरकीर्ति सिंह कोटली ने भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलजुल के इकट्ठे होके जो 2019 का चुनाव था उसके लिए उन्होंने जो संदेश था राहुल गांधी जी का दिया और सब कार्यकर्ताओं ने बड़े जोश से क्रोध से उसका जो संदेश वो लिया है और अपने अपने क्षेत्रों में काम में लगे हुए हैं। उस मीटिंग में हो या ना हो, उनका एक अपना जो हिमाचल प्रदेश में इनका जो स्थान है वो कांग्रेस में नहीं, दूसरे लोगों में और आम जनमानस में उनका जो एक लोगों के दिल में उनकी जगह है वो थोड़ी कम होती है। उनके वो नहीं थे या थे उसमें कोई नहीं पड़ता है, वो जहाँ भी ना भी हों तब भी लोगों के दिलों में वो राज करते हैं। लोगों के दिल में और दिमाग में उनकी जो छवि है, लोगों के दिल और दिमाग में पूरे हिमाचल प्रदेश के विकास का चौमुखी विकास जो उन्होंने किया है उसके लिए वो हमेशा याद रहते हैं और सबके दिलों में थे, वो ना हो तब भी वो लोगों के बीच में रहते हैं। विधायक की टिप्पणी का तो कोई मैं समझता हूँ कोई बड़ा है, क्योंकि इनको यही नहीं, एक कई जगह घूम के आते हैं, इनको ज्यादा पता है, हैं ये कई पार्टियों में कांग्रेस में रहे, कई जगह रहे, इनकी टिप्पणी में कोई ज्यादा वजह नहीं है।